आपको पता है कि मैं बिहार से हूँ? हाँ, मुझे पता है, आप ये जानते कि मैं सरदारनी हूँ, बट बिहार से हूँ। तो जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे चारों तरफ लोग छठ पूजा जब मनाते थे, ठेकुआ खाते थे, बहुत मजा आता था देखने में। एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक दैट विद माई ओन हैंड्स एट सम पॉइंट। तो वहाँ जब रहती थी तब तो कभी नहीं बनाया, लेकिन आज यहाँ फेस्टिव पीस के एपिसोड में जरूर बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा छठ पूजा एपिसोड विद दिस लवली रेसिपी। लेट्स गेट कुकिंग। अब सबसे मजेदार बात इस रेसिपी की ये है कि ये बहुत ही आसान है बनाना। बस एक तरफ गुड़ की चाशनी बनानी है और दूसरी तरफ एक डो। आटे का डो बनता है गुड़ की चाशनी के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने पानी डाला है और उसके अंदर हम गुड़ डाल देंगे, एक चम्मच घी भी इसमें पड़ेगा। चाशनी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में और जब ये चाशनी ठंडी हो जाएगी, इसी के साथ हम आटे का डो बनाएंगे। करीब 2 कप आटा हम लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी इलायची और सम फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ तो ये चाशनी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, पर इसे ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो मैंने ऑलरेडी थोड़ी सी गुड़ की चाशनी रेडी करके रखी हुई है, उसे मैं इस्तेमाल करके यहाँ पे डो बनाना शुरू कर दूंगी। तो चलिए, बस जब मैं छोटी थी और इसे खाती थी तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि इसे बनाना इतना आसान होता है। एंड इट यूज़ टू बी सच अ पॉपुलर डिश, सब इससे फास्ट तोड़ते थे। एंड स्पेशली जब मैं लोगों को फास्ट तोड़ते देखती थी इसके साथ, एंड आई यूज टू सी देयर सैटिस्फाइड, यू नो दैट लुक ऑन देयर फेस, आई यूज टू वंडर हाउ डू दे मेक दिस वंडरफुली यमी यमी डिश एंड हाउ डज इट सैटिस्फाई पीपल सो मच। वेल टुडे आई नो। तो चलिए, बस ये अब ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब एट दिस पॉइंट हम इसमें डाल देंगे सम रेजन्स एंड सम चॉप्ड कोकोनट। ये हम लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि पहले आटे को गूंदने में आसानी हो। एंड ये हम क्यों डालते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट दैट लवली बाइट इन आर ठेकुआस। देखिए, ये नाइस स्टिफ डो तैयार हो गया है एंड अब हम इसके राउंडल्स देंगे। इस तरह से इसका एक राउंड बनाया हमने, इसे फोक के साथ इस तरह से इसके ऊपर इंप्रेशंस बना देंगे। बस इसी तरह हम और भी राउंडल्स बना लेंगे एंड देन वी आर गोना डीप फ्राई देम। चलिए, नाउ लेट्स जस्ट फ्राई दिस। ध्यान रखिएगा ये तेल ज्यादा गर्म ना हो, मॉडरेट हीट पे होना चाहिए, बिकॉज अंदर से ये पूरी तरह से पकना चाहिए, राइट? अगर ज्यादा तेल गर्म होगा तो क्या होगा, बाहर से जल जाएगा पर अंदर से कच्चा ही रहेगा। सो जस्ट मेक श्योर इट्स ऑन मॉडरेट हीट। ये प्यारा कलर आ गया है, इसे निकाल लेते हैं। चलिए, अब इसका फ्लेम बंद कर दिया और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं एंड देन वी आर गोना सर्व इट। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसी समय खाएं जब इसे बनाएं। यू कैन इजीली स्टोर इट इन एन एयरटाइट कंटेनर एंड एंजॉय इट व्हेन यू वांट टू हैव इट। तो चलिए, अभी फिलहाल मैं इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व करती हूँ। ओके, ये थोड़े से चॉप्ड कोकोनट्स जो पड़े हुए हैं मेरे पास, कोकोनट इट जस्ट गोना स्प्रिंकल इट ऑन टॉप ऑफ इट। थोड़े से रेजन्स भी डाल देते हैं एंड हियर यू गो, हमारे यमी सैटिस्फाइंग एंड गुड हेल्दी ठेकुआ तैयार है।